जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी पे सुने जाने वाली पौराणिक कथा सुनाऊंगी, तो चलिए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों से उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं, वे नरक गामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में माधंता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्वादी और महान प्रतापी था। यह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधंता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। उन्हीं ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनित भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है और ऐसा शास्त्रों में कहा है, जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का मुझे पता करना है और अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं इस निर अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को
करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी सुनाई हुई कथा अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।